हेलो फ्रेंड्स, बटर्स एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम एक फुली ऑटोमेटिक इन्वर्टर बनाने वाले हैं। जैसे कि हमारे घर में बड़ा इन्वर्टर होता है, मैंने इन्वर्टर के ऊपर इसके ऊपर और भी वीडियो बनाई थी, जिन पर आपका कमेंट था कि इसको हमारे घर में जो बड़ा इन्वर्टर है, मतलब लुमिनस जैसा बड़ा इन्वर्टर होता है, इसके तरह ऑटोमेटिक बनाओ कि लाइट जाने पर हमारा इन्वर्टर खुद ब खुद काम करे। तो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हमने पूरा डिटेल्स के साथ आपको सब दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने इस ट्रांसफार्मर को यूज़ करके और RPS किट को यूज़ करके भी पहले भी इन्वर्टर बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, आपकी सहायता होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने पूरी डिटेल में आपको समझाया है कि कैसे आप इसको ऑटोमेटिक हमारे जो घर पर है बड़ा इन्वर्टर, इसके तरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो पहला जो है बहुत ही सिंपल है, पहला जो पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर वायरिंग भी बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर को जो साइड का जो पिन है, इनको हमने RPS किट के हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ख्याल रखिए ये 12012 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। इसका जो 20 वाला पॉइंट है, इसको हम RPS किट की बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पहले की वीडियो में भी हमने ये सब करके आपको दिखाया, तो इस वीडियो में ज़रा डिटेल्स के साथ ये सब नहीं कर रहा। इसके जो अगला पार्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बैटरी के लिए भी ये वायर यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, आप देख कर खुद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी तरह हम यहाँ पर से बैटरी निगेटिव का भी वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल था। हमने इस वीडियो पर आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाया है, ठीक है। हमने इस इन्वर्टर को पार्ट कर डिवाइड किया, जिससे कि आपको समझ आने में आसानी हो, ठीक है। हमने आपके लिए ही इतना कष्ट उठाकर इस वीडियो को बनाया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट हमारा हो चुका है। कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दो बैटरी यूज़ की है, जिससे कि इसका एम्पीयर बढ़ जाए। हमने इन दो बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, ख्याल रखना, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इसका प्लस और माइनस और माइनस एक साथ कनेक्ट करना होता है। हमने एक 12 वोल्ट का रिले लिया और इसको फेविक्विक के द्वारा बैटरी के ऊपर चिपका लिया। फ्रेंड्स, आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से इसको कोई पर भी चिपका सकते हैं। आप चाहे तो इसको एक बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। हमने बस आपको एक डेमो करके दिखाया। हमने यहाँ पर एक डायोड लिया। तो फ्रेंड्स, डायोड का जो एनोड पॉइंट है, इसको हमने रिले के 1 कॉइल पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिए। और डायोड की जो कैथोड पॉइंट है, इसको हमने एक जम्पर वायर की मदद से बैटरी की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल से आपको दिखाया है ये वायरिंग। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ आती है इस वायरिंग को करने में, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। यह है एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। इसमें मैंने एक 20 रेक्टिफायर लगाया, ये बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। इसका जो ये आउटपुट है, मतलब 12 वोल्ट का जो आउटपुट है, ये लगभग 15 वोल्ट का आउटपुट देता है। हम इसे बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका जो प्लस वाला है, इसको हम रिले के जो 1 कॉइल पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर हमने डायोड कनेक्ट किया था। और मुझे इसका जो माइनस है, इसको हम रिले के जो कॉमन और 2 कॉइल पॉइंट को एक साथ शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। आप देख लो, यहाँ पर रिले के जो कॉमन पॉइंट और मतलब जो 20 वाला पॉइंट है और 2 कॉइल पॉइंट को हम एक साथ शॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो निगेटिव वायर है, मतलब हमने जिसको एज एक बैटरी चार्जर की तरह यूज़ किया, इसका जो निगेटिव वायर है, इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। आप अच्छे से देख लीजिए, इसका वायरिंग इतना मुश्किल भी नहीं है।
हमने यहाँ पर कॉमन और टू कॉइल पिन को एक साथ शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर हम जो यहाँ बैटरी चार्जर का जो निगेटिव वायर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। पहले पॉजिटिव वायर को रिले के कॉइल वन पर कनेक्ट करेंगे। और निगेटिव वायर को हम रिले के टू कॉइल को पर कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड, यहाँ पर टू कॉइल और कॉमन पॉइंट दोनों शॉर्ट किया गया है, एक वायर की मदद से एक साथ कनेक्ट किया गया है। आपको अगर ये वायरिंग समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। अब हम एक वायर लेंगे और इसको रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे और वायर का जो दूसरा ओर है इसको हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वायरिंग अच्छे से देख लीजिए। और ये जो वायर है ये है ट्रांसफार्मर का इनपुट वायर, ठीक है। हमारा आप ये पार्ट भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इसका मेन पॉइंट बाकी है जहाँ पर हम इस ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट है इन दो आउटपुट को निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इसे एक बड़े इन्वर्टर जैसे काम करता है इसी तरह काम करवाने के लिए हमें यहाँ से इसका जो पॉजिटिव और निगेटिव है इन दोनों को यहाँ से निकालना पड़ेगा एक दो वायर की मदद से, ठीक है। यहाँ पर हम पॉजिटिव के लिए रेड कलर का वायर और निगेटिव के लिए ब्लू कलर का वायर यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसे करने से पहले ट्रांसफार्मर का जो पॉजिटिव और निगेटिव है इसको एक टेस्टर की मदद से जांच लें। तो यहाँ पर हमने निगेटिव वायर भी कनेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ध्यान लीजिए, इसको हम एक बड़े इन्वर्टर की जैसा बनाना वाले हैं। तो यहाँ पर वायरिंग में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका वायरिंग हम आपको बहुत डिटेल्स में बता देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो बैटरी चार्जर का जो इनपुट है यहाँ का जो न्यूट्रल निगेटिव मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर का जो हमारा इन्वर्टर का जो आउटपुट का निगेटिव पॉइंट है इसके साथ। देखो, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप हमारे पार्ट को फॉलो कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पर जो हमारा बैटरी चार्जर का जो पॉजिटिव वायर है इसको भी हम एक वायर की मदद से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा इन्वर्टर का जो चार्ज देने वाला पॉइंट है ये दोनों वायर है। यहाँ पर मैं 3 पिन का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी 3 पिन का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं जो पिन का जो राइट साइड का पॉइंट है यह हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। फैन ध्यान दीजिए, अगर आप इस इन्वर्टर को अपने घर पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपका घर का जो वायरिंग है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब इसका जो वायर सॉकेट का जो राइट साइड का पिन है वो हमेशा फेस होना चाहिए, नहीं तो ये वायरिंग गलत हो जाएगा और हमारा RPS किट खराब हो सकता है। इसलिए आप इस बात पर गौर कीजिएगा और आप 3 पिन का ही यूज़ कीजिएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर एक 3 पिन प्लग का यूज़ किया। इसका राइट साइड हमेशा फेस होता है, मतलब राइट साइड पर टेस्टर ब्लिंक करता है। तो फ्रेंड्स, इस सॉकेट की मदद से हम इन्वर्टर को चार्ज करेंगे। आप कनेक्शन अच्छे से देख लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर हमने निगेटिव वायर को एक साथ कनेक्ट कर लिया और इसका जो पॉजिटिव वायर है इसको हमने इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हम इसे टेप से चिपका देंगे जिससे कि ये एक दूसरे के साथ ना लगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आधा कनेक्शन लगभग पूरा हो चुका है। आई होप
आपको ये सब समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज अब हम इसकी जो मेन काम है ये करने वाला है। तो फ्रेंड्स आपने नज़र किया होगा हमारा जो बड़ा इन्वर्टर होता है इसके पीछे जो एक पिन होता है यहाँ से एक निकल जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉकेट का यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट इन्वर्टर हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ से एक वायर निकाल लिया, आप देख सकते हैं। और ये जो वायर है ये है हमारा बैटरी में आने वाला वायर जिससे कि हमारा इन्वर्टर चालू होगा। तो फ्रेंड्स ये है वो वायर, ये फेस वायर है, ठीक है। ये लाल वाला वायर जो आप देख रहे हो ये फेस वायर है, हमारा इन्वर्टर का जो पीछे से एक वायर निकलता है ये वही वायर है। यहाँ पर हमने ये है हमारा इन्वर्टर को चार्ज देने वाला एक नॉर्मल बोर्ड, ठीक है। ये इन्वर्टर कनेक्टेड नहीं है, इससे हम अपने इन्वर्टर को चार्ज करेंगे। देखो इससे हम अपने इन्वर्टर को चार्ज करेंगे। फ्रेंड्स आप ध्यान रखना कि आपका फेस घर का जो वायरिंग है ये बिल्कुल सही हो, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका RPS किट खराब हो सकते हैं। हम एक दूसरे बोर्ड का यूज़ करेंगे, समझ लो कि ये आपके घर का दूसरा बोर्ड है और हम इस बोर्ड पर इन्वर्टर का कनेक्शन देकर आपको दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स ये है एक बोर्ड और यहाँ पर हमने इन्वर्टर का जो पॉजिटिव मतलब जो फेस वायर है, जो हम कहते हैं कि लुमिनस इन्वर्टर का जो पीछे के साइड से जो वायर निकलता है ये वही वायर है। इसको हम सॉकेट के जो राइट साइड का पिन है मतलब जो फेस पिन है यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर मैंने सी स्विच का जो पॉइंट है इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर लिया, ये हमारा फेस वायर है। और ये फेस वायर हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ से हमने निकाला। तो फ्रेंड्स कनेक्शन आप अच्छे से देख लीजिए, ये कनेक्शन थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप अगर गलती कर देंगे तो आपका RPS किट खराब हो सकता है और आपका लॉस हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो फेस वायर है इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो मेन लाइन का बोर्ड है यहाँ से मैं न्यूट्रल वायर को निकाल लूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो मेन लाइन आ रहा है यहाँ पर लाल और हरा रंग का दो वायर है, यहाँ पर जो हरा रंग का वायर है वो हमारा न्यूट्रल वायर है। आप अपने घर पर टेस्टर से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा वायर फेस है और कौन सा वायर न्यूट्रल है। तो हम इस न्यूट्रल वायर को यहाँ से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स मैं जिस बोर्ड से निकल रहा हूँ इसी बोर्ड से अपने इन्वर्टर को चार्ज करूँगा, जैसे कि बड़ा बड़ा जो हमारे घर पे होता है लुमिनस का इन्वर्टर वो काम करते हैं, ठीक ऐसे ही ये इन्वर्टर भी काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल वायर के साथ इस वायर को कनेक्ट कर लिया और इसको हम इस बोर्ड से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर कनेक्शन अच्छे से देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर कनेक्शन थोड़ी भी गड़बड़ होती है प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी सावधानी से कीजिएगा, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर मैंने देखो यहाँ से ये न्यूट्रल वायर निकाल लिया। अब मैं इस बोर्ड को क्लोज कर देता हूँ। इस वीडियो का ये पार्ट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, प्लीज़ इस पार्ट को आप अच्छे से बिना स्किप किए देखिएगा, वरना आपका गलती हो सकता है। तो देखिए ये हमारा इस बोर्ड से निकला हुआ न्यूट्रल वायर है। तो हम इस न्यूट्रल वायर को हमारा जो हम जिस बोर्ड पर इन्वर्टर कनेक्शन देने वाले हैं इस बोर्ड का जो न्यूट्रल मतलब सॉकेट का जो दूसरा पिन है मतलब लेफ्ट साइड का जो पिन है यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। देखो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, इसी के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कि हमने बोर्ड की वायरिंग कैसे की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने इस इन्वर्टर को बनाने में बहुत ही तकलीफ़ उठाई है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़
लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आगे हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो मैंने इस बोर्ड को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कनेक्शन है वो लगभग हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस बोर्ड को एक सॉकेट और एक स्विच वाला बोर्ड को यूज़ करके जस्ट आपको एक डेमो दिखा दिया कि आप कैसे इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हो। आप अपने घर की जो बड़े बड़े बोर्ड है इस पर भी इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बैटरी का जो वायर है इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा इन्वर्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन वाला वायर है वो बैटरी नेगेटिव वायर है, और जो ये रेड पिंक वाला वायर है वो बैटरी पॉजिटिव वायर है। तो हम इसे अपने अपने जगह पर कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप इस पर फैन या टीवी चलाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा बड़ा बैटरी यूज़ कीजिएगा। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसे इन्वर्टर बनाते तो है लेकिन यहाँ पर टीवी या फैन चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये क्वेश्चन इन पर होता है। तो आप निश्चित रहिए कि यहाँ पर टीवी चलेगा तो आपको ट्रांसफार्मर बड़ा लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक LED बल्ब लगा कर दिखा देता हूँ। मैंने पहले 10 और 200 वाट का बल्ब दिखाया हुआ एक वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो पर सिर्फ एक LED बल्ब चलाकर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने जो मेंस का स्विच है वो ऑन कर दिया और हमारा जो लाइट है वो जल ही रहा है। आप रिले का साउंड सुन सकते हैं। ये इन्वर्टर बड़े इन्वर्टर की तरह ही काम कर रहा है। जब मैंने स्विच दबाया तब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है लेकिन लाइट चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इन्वर्टर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हमने इस वीडियो पर जस्ट आपको एक दिखा दिया। आप इसको एक बॉक्स के अंदर रखकर अपने घर पर एक इन्वर्टर की तरह सीखें। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम मल्टीमीटर की मदद से इसका वोल्टेज मेजर करके आपको दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ से एक वायर निकाल लिया और फिर यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर का जो पिन है ये लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया। आप देखिए, ये लगभग 16 वोल्ट दे रहा है और ये हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आप इसे अपने घर पर बनाकर बहुत अच्छे से इसको एक बॉक्स के अंदर रखकर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय।